पोखरी से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील क्षेत्र के कोहनवाल गांव के ग्रामीणों ने आज तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि कुछ लोग सार्वजनिक पोखरी को भरकर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, जिससे नाराज दर्जनों ग्रामीण तहसील गेट पर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान शोर शराबा सुनकर कार्यालय से बाहर निकले SDM को नाराज ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तहसील पर प्रदर्शन कर रहे कोहनवाल गांव निवासी लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंप के बताया कि उनके गांव की स्थित पोखरी संख्या 385 पर कुछ लोग अवैध तरीके से मिट्टी भरकर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे चलते जल निकासी की समस्या बढ़ गई है। हालांकि मौके पर हल्का लेखपाल की ओर से निर्माण कार्य को रोकने दिया गया है, फिर भी अतिक्रमणकारी जबरन अवैध तरीके से निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की ओर से अतिक्रमणकारियों का सहयोग किया जा रहा है, ऐसे में वह लोग काफ़ी परेशान और बेबस है। इस संबंध में SDM सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर हल्का लेखपाल को जांच कर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग ग्राम सभा कोहवल करने वाले हैं। एक मेरा मोहल्ला है जो कोहवल में है, वो विगत कई वर्षों से हम लोग प्रधान जी से SDM साहब को SDM साहब को भी शिकायत किया गया कि हम लोग के पोखरे के समस्या है, वो पोखरे को खंदवा दिया जाए। आज DM द्वारा कभी प्रशासन को भेज के नपवा भी दिया गया है, लेकिन इसको खंदवाया नहीं जा रहा है। जो आज पूरे ग्राम सभा की दिक्कत हो रही है, हमारे पूरे मोहल्ला की दिक्कत हो रही है। देखिए, अपना महिला सारी आई है, घर से बाहर निकल जाना, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, बाहर भी निकलना मुश्किल है। अगर देखिए हम लोग के मांगे अगर पूरी नहीं हो रही है, SDM साहब अगर तत्काल दिक्कत करवाएंगे नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, तहसील के खिलाफ करेंगे, SDM साहब को खिलाफ करेंगे, ग्राम प्रधान के खिलाफ जाएंगे। हम लोग भूख हड़ताल करना पड़ेगा, तभी हम लोग कई दिन करेंगे, जब तक हम लोग की समस्या हल नहीं होगा।